हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर सेकंड शुरू किया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, राइट। उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। हमने देख लिया था कि फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। दोज क्वांटिटीज आर सेट टू बी फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर। जैसे हमने बहुत सारी के बारे में पढ़ा था, मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि यूनिट क्या होती है ना, तो किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसको जो वैल्यू असाइन की जाती है, जो उसको प्रोवाइड की जाती है, वो उसे क्या कहलाती है, यूनिट कहलाती है। और दो तरह की यूनिट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, फंडामेंटल या फिर बेसिक यूनिट, ठीक है। ये वो होती हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, अपने आप में फ्री होती है, ठीक है। सो फंडामेंटल यूनिट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर यूनिट्स, बट जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं वो किन पर डिपेंड करती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स में हमने सात तरह की यूनिट्स पढ़ ली थी, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल में बताते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको कैंडेला में बताते हैं, ये कैंडल से आया है, राइट। और इसके अलावा जो सेकंड थी हमारी डिराइव्ड यूनिट थी, डिराइव्ड यूनिट किस पर डिपेंड करती है, फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि वेलोसिटी है जो कि बेसिक या फंडामेंटल यूनिट लेंथ और टाइम पर डिपेंड करती है, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर है लेंथ की, सेकंड है टाइम का, ठीक है। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है बेसिक यूनिट मास पर, सॉरी लेंथ पर और टाइम पर, ठीक है। एक्सेलरेशन भी करता है, इस तरीके से फोर्स है वो भी करता है किस पे, मास पर, लेंथ पर और टाइम पर, ठीक है, और मोमेंटम, और इस तरीके। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं जिनके बारे में मैं आपको आज थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि इसके अलावा और कौन सी। मैंने आपको बताया था बेसिकली फिजिक्स में अभी आप पूरी इलेवेंथ के दौरान लगभग 55 से 60 ऐसी क्वांटिटीज पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, और उनकी यूनिट्स पढ़ेंगे जो कि कैसी होंगी, डिराइव्ड यूनिट्स होंगी, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स तो सात ही हैं, इसके अलावा जितनी भी फिजिक्स में यूनिट्स पढ़ोगे आप वो इन सात पर डिपेंड करती हैं, समझ में आ गई। तो ये तो फिक्स है, और आपको पता है पहले तीन ही थी, एक तो मास, दूसरी लेंथ और तीसरी टाइम। ये चार तो बाद में बताई गई हैं फिजिक्स में, बाद में इंट्रोड्यूस की गई हैं, कौन कौन सी, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो बेसिकली पहले तीन ही थी, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स तो फिलहाल सात ही हैं, सात के अलावा और कोई फंडामेंटल यूनिट फिजिक्स में नहीं है, लेकिन डिराइव्ड यूनिट्स बहुत सारी हैं। जब आप इलेवेंथ क्लास को कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जान चुके हैं, उनके यूनिट्स के बारे में जान चुके हैं, समझ में आगे बात। तो बाकी सारी जितने भी फिजिक्स में यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट, वो डिपेंड करती हैं इन सात फंडामेंटल यूनिट्स पर, समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। तो मैंने आपको बताया कि जितनी भी फिजिक्स में डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो डिपेंड करती हैं किस पर डिपेंड करती हैं, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, जो कितनी है, सात, समझ में आ रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रही हूँ, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपका आगे ट्वेल्थ क्लास में और इवन पूरी इलेवंथ क्लास के दौरान भी बीच बीच में आपकी चीजों को क्लियर करता हुआ चलेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये ना समझे कि इलेवंथ क्लास आपकी बोर्ड क्लास नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं भाई, ट्वेल्थ क्लास आपकी उतनी ही अच्छी होगी जितना अच्छा आप इलेवंथ क्लास को ढंग से ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये यूजलेस क्लास नहीं है इलेवंथ क्लास, ठीक है। जैसे टेंथ में अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए, बेस क्लियर करने के लिए नाइन्थ का पढ़ना बहुत जरूरी है, सेम वैसे ही ट्वेल्थ को ठीक से समझने के लिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लेने के लिए, दूसरी बात बेसिक्स क्लियर करने के लिए, मैं बता रही हूँ आपको, इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। तो ये फ्यूचर डिसाइडिंग क्लास है, इनको आप इग्नोर ना करें बिल्कुल भी। तो नाइन्थ टेंथ में आपकी जो भी गलतियां हो गई हैं उनको आप अब छोड़ दें, अब उन चीज़ों पे पछताना, लेकिन अब आपके पास दूसरा मौका है इलेवेंथ ट्वेल्थ क्लास में अपना बेस क्लियर और पक्का करने का, समझ में आ गई बात। तो इलेवेंथ क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इवन मैं तो कहूंगी ट्वेल्थ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्वेल्थ का फ्यूचर इलेवेंथ ही डिसाइड करती है, तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। चलें, अब आप देखें आप आगे कि और कौन कौन सी डिराइव्ड यूनिट्स हो सकती है। जैसे मैंने कल चार तो आपको बता दी थी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम, ठीक है। इसके अलावा और भी डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, जैसे आप देखें तो आपने जो टेंथ में पढ़ी हुई है यूनिट फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी, वर्क, आपने वर्क के बारे में पढ़ा है। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहाँ पे डी से शो कर दिया, ठीक है। अब फोर्स के लिए तो हम जानते ही हैं कि उसकी यूनिट कितनी होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन,
और डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट की कितनी होती है मीटर, समझ में आ रही है। अच्छा आप सोच रहे होगे कि न्यूटन क्यों यूज किया, भाई न्यूटन जो होता है वो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। अगर आप चाह रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर कौन सा ये वाला, तो ये दोनों मिलकर के कितना हो गया किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये भी यूनिट वर्क की है न्यूटन इंटू मीटर, और ये भी वर्क की ही यूनिट है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, समझ में आ रही है बात आपको। तो ये दोनों ही है, बस यहाँ पे क्या करते हैं कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि ये बड़ी यूनिट हो गई है, एक रिप्रेजेंटेशन से इसको बता देते हैं, वो है न्यूटन। शॉर्ट यूनिट है किसकी है, फोर्स की, समझ में आ रही है बात। और ये है मोमेंटम और ये है वर्क। वर्क क्या है, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन इंटू मीटर भी, और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो वो क्वांटिटीज हैं जो आपके लिए फैमिलियर है, जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन आप 11th के दौरान उनको धीरे धीरे सुनते और समझते जाएंगे, ठीक है। उसके लिए मैं आपको जब डायमेंशनल फॉर्मूला समझाऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मैं आपको बहुत सारी नई फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ाऊंगी, समझ में आ रही है। तो यूनिट्स को अभी यहाँ पे इसके अगला टॉपिक शुरू करते हैं, यूनिट्स को हम फिर से उठाएंगे जब हम डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ाएंगे। उससे पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक मैं शुरू कर रही हूँ, छोटा सा है, उसके बाद फिर मैं डायमेंशन फॉर्मूला शुरू करूंगी। तो पहले आपका ये जानना जरूरी है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन सी होती है। तो हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया, दोनों तरीके की यूनिट्स पढ़ लिया हमने, डिराइव्ड भी और फंडामेंटल भी। अब हम देख रहे हैं व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। देखें तो भाई जब सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिसाइड नहीं था तो अलग अलग देशों में हर किसी के लिए अलग अलग तरीके की यूनिट्स काम में ली जाती थी, यानी कि मास के लिए हर कोई जो देश था, कंट्री थी, वो अपनी सुविधा के हिसाब से यूनिट यूज इस्तेमाल करता था, और दूसरा देश दूसरी, तो इस तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट होता था। इसलिए क्या हुआ कि बहुत सारे देशों की एक मीटिंग हुई, उसमें डिसाइड की गई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब हर चीज़ के लिए हर एक यूनिट फिक्स होगी, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं वो तीन तरीके के डिसाइड हुई, थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इससे आपके न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत मदद करेंगे ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नंबर एक है आपका एमकेएस सिस्टम, समझ में आ गई। नंबर दो है आपका सीजीएस सिस्टम, ठीक है, और नंबर तीन है आपका एफपीएस सिस्टम, समझ में आ गई। तो फिजिक्स में हम तीन तरीके के बेसिक एम सिस्टम्स को पढ़ते हैं, वो है एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस। अब ये है क्या क्या वो समझ गया। एमकेएस, एम का मतलब है मास, यानी कि मास। के का मतलब क्या है यहां पे, ठीक है, एम के सिस्टम में एम का मतलब क्या है, सॉरी एम का मतलब मास नहीं है भाई, एम का मतलब है मीटर, मीटर से है, ठीक है। तो मैं इसको सही कर देती हूँ आपको, मीटर, ठीक है, यानी कि एम का मतलब है यहाँ पे मीटर, और के का मतलब है किलोग्राम, ठीक है, और एस का मतलब है सेकंड, ठीक है। तो ये सिस्टम कौन सा हो गया, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, समझ में आ रही है बात आपको। तो एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट्स ली जाएंगी वो क्या क्या होंगी, मीटर फिक्स है, आप सेंटीमीटर यूज नहीं कर सकते इसमें, इसमें मीटर ही होगी, और इसमें होगी किलोग्राम। मीटर किसकी है, लेंथ की, और लेंथ कैसी है, एक फंडामेंटल यूनिट। किलोग्राम किसकी है, मास की, और सेकेंड किसकी है, टाइम की, और ये तीनों ही कैसी है, फंडामेंटल यूनिट्स, समझ में आ गई। तो एक एमकेएस सिस्टम डिसाइड किया गया, उसमें लेंथ को हमेशा मीटर में ही शो किया जाएगा, मास को हमेशा किलोग्राम में ही शो किया जाएगा, और टाइम को हमेशा सेकंड में ही शो किया जाएगा, समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपका सीजीएस सिस्टम, सीजीएस में सी का मतलब है सेंटीमीटर, समझ में आ गई, सी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर। जी का मतलब है ग्राम, और एस का मतलब है सेकंड सिस्टम, यानी कि अब की बार ये पहली जो इसमें सी है वो किसको ही बता रहा है, लेंथ को ही बता रहा है, बस यहाँ पे लेंथ को मीटर में शो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में ही शो करेंगे, ठीक है, मास को ग्राम में ही शो करेंगे, और टाइम को तो सेकंड में ही करेंगे,
ठीक है, तो टाइम के लिए कुछ नहीं चेंज हुआ है, टाइम के लिए तो मीटर में भी वो एमके सिस्टम में भी सेकंड में ही शो करेंगे और सीजे सिस्टम में भी सेकंड में ही शो करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो दो तरीके के सिस्टम पढ़े हमने, एमके सिस्टम, सीजे सिस्टम। एमके सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में। सीजे सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, ग्राम मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। तीसरा है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में जो लेंथ है उसको हम बताएंगे फुट में, ठीक है, एफ का मतलब है फुट। मास को बताएंगे पाउंड में और टाइम के लिए तो वही फिक्स है सेकंड। समझ में आ गई? तो तीनों पढ़ लिए। अब हम जो एफपीएस सिस्टम है उसमें लेंथ को हमेशा बताएंगे फुट में, मास को बताएंगे पाउंड में और टाइम को बताएंगे सेकेंड में। बात समझ में आ रही है आपको? तो हमने तीन सिस्टम पढ़े, एमके सिस्टम, सीजे सिस्टम, एफपीए सिस्टम। फिजिक्स में इसके अलावा और कोई सिस्टम यूज नहीं किया जाता है। इसमें जो सबसे ज्यादा यूज आते हैं वो है एमके सिस्टम और सीजे सिस्टम। यानी कि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल में जो आप, मैं बताऊंगी आपको वैसे तो आगे जब क्वेश्चन कराऊंगी, तो आपका या तो पूरा क्वेश्चन होना चाहिए एमकेएस में, नहीं है तो आप कन्वर्ट करो, या पूरा होना चाहिए सीजेएस में, या पूरा होना चाहिए एफपीएस में। ये नहीं कि एक यूनिट मीटर में है दूसरी ग्राम में, ऐसे नहीं होगा। समझ में आ रही है? तो अगर लेंथ दे रखी है तो मीटर में ही होनी चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट करें आप, और मास किलोग्राम में ही और सेकंड में। तो सिस्टम किसी भी न्यूमेरिकल को करते टाइम आपको एक फिक्स रखना है, और बाकी आपका न्यूमेरिकल आएगा तो मैं आपको वहां पे बता दूंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप केवल इतना ध्यान रखें, तीन सिस्टम होते हैं एमकेएस, सीजेएस और एफपीएस, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और फुट पाउंड और सेकंड। समझ में आ गई बात? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, चलें। ठीक है, तो तीन हो गई। इसके अलावा आपका एक सिस्टम ऑफ यूनिट और होता है, वो है एसआई यूनिट सिस्टम। ये कोई चौथा एसआई सिस्टम नहीं है, एसआई सिस्टम। आप ये ना समझे कि ये कोई चौथा है, होती तो फिजिक्स में तीन ही है। ये एसआई सिस्टम एक तरीके से एमके सिस्टम का बड़ा रूप है, ठीक है, तो कोई अलग से क्लासिफाई किया हुआ सिस्टम नहीं है आपका एसआई सिस्टम। तो सिस्टम तो आपके तीन ही होते हैं, एमके, सीजेएस, एफपीएस। केवल एसआई सिस्टम एमके सिस्टम का एक बड़ा रूप है। समझ में आ गई? एसआई सिस्टम जो है ये वो सिस्टम है जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे, यानी कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ना। इसको अगर हम इसकी फुल फॉर्म बताएं तो वो होती है सिस्टम इंटरनेशनल, समझ में आ गई, सिस्टम इंटरनेशनल है। और इसमें जो है किसी भी, जो भी आपके यूनिट्स आई हैं, चाहे वो फंडामेंटल है चाहे वो आपके डिराइव्ड यूनिट है, उनको स्मॉल ब्रैकेट में किसी इंडिकेशन से यूज किया जाता है। जैसे वर्क को बताया जाता है जूल से, ठीक है, पावर को बताया जाता है वॉट से, तो इनको ब्रैकेट में शो करके बताया जाता है, ठीक है। फोर्स को बताया जाता है न्यूटन से, तो न्यूटन का कैपिटल एन यूज किया जाता है। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल है जिसमें हर यूनिट को शॉर्ट में बताने का एक तरीका है। समझ में आ गई? वर्क को किसे बताएंगे? जूल। अगर जूल जे दिख गया कैपिटल में तो आप समझ जाओगे कि ये जूल वर्क को बता रहा है, ये वॉट को बता रहा है, ठीक है, ऐसे ये न्यूटन को बता रहा है, ठीक है। प्रेशर है तो आप उसको किससे बताएंगे? पास्कल से, तो आप उसको पी ए एस से शो करेंगे ब्रैकेट में। समझ में आ गई बात? तो ये एक तरीके का एमके सिस्टम ही है, पर ये थोड़े से बड़े फॉर्म में है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो अब हम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की चीज़ों पे चलने से पहले आपका डायमेंशंस क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम धीरे धीरे समझेंगे कि डायमेंशंस होती क्या है। ठीक है, तो मैं आपका शुरू कर रही हूँ एक नया टॉपिक, वो है डायमेंशंस। डायमेंशंस तभी हम समझा सकते हैं जब हम यूनिट्स समझा चुके हों। तो अब हम यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं, फंडामेंटल, डिराइव और सिस्टम भी पढ़ चुके हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। एसआई अलग नहीं है, ठीक है, आपको पता है। ओके, डायमेंशंस। अब डायमेंशंस क्या होती है वो आप ध्यान से सुने, देखें और समझें। ठीक है, डायमेंशंस क्या होती है? एक्चुअली जो डायमेंशंस होती है वो क्या बताती हैं? डायमेंशन बताती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को। समझ में आ रही है? तो डायमेंशन के में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, डायमेंशन होती क्या है? द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय किससे?
its dimension by its डायमेंशन. ठीक है, तो जो डायमेंशन होती है वो क्या बताती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को डिस्क्राइब करती है. बात समझ में आ गई. दूसरी बात ये है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, हम जानते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, है ना, हम जानते हैं ना कि डिराइव्ड यूनिट्स जो होती हैं वो किसकी फॉर्म में बताई जाती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में. समझ में आ रही है, हमें पता है कि जितनी भी डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं वो सात फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है. तो आपको पता है हम डिराइव्ड यूनिट्स के डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनके डायमेंशन को कैसे बताया जाता है. सात तरह की फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी, मास. तो मास की डायमेंशन को दिखाने के लिए मास का इंडिकेशन है कैपिटल M, उसको बड़े ब्रैकेट में शो कर दिया जाता है. समझ में आ गई. ठीक है, उसके बाद कौन सी थी, मास के बाद आपकी थी लेंथ का ले लीजिए, लेंथ को कैपिटल L से शो किया जाएगा और उसको बड़े ब्रैकेट में शो कर दिया जाएगा. ठीक है, कैपिटल ब्रैकेट में. फिर आती है टाइम, टाइम तीसरी फंडामेंटल यूनिट है, इसको भी हम फिर T के साथ और. ठीक है, फिर आती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट, करंट के लिए कैपिटल A एम्पियर से शो करते हैं ना, इसलिए उसको कैपिटल A लिख करके बड़े ब्रैकेट में शो कर दिया जाएगा. इसके बाद आती है आपकी टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को आप टी से नहीं करेंगे, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, तो आप उसको के से शो करके, है ना, कभी कभी इसको पता है किसी किसी बुक में थीटा से भी शो कर देते हैं, है ना, के या फिर थीटा. इसके अलावा एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गई. सिक्स्थ आपकी कौन सी थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम किससे दिखा रहे थे, मोल से, तो इसको मोल लिख करके कैपिटल ब्रैकेट में शो कर देते हैं. फिर आती है कैंडेला, कैंडेला को किससे बताया था, मैंने आपको बताया था सी डी. समझ में आ गई, तो ये क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की. तो हमारे पास सात तरह की फंडामेंटल यूनिट्स थी और ये सातों के लिए किस क्या है, ये डायमेंशंस. ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया है, डायमेंशंस ऑफ सेवन बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स. समझ में आ गई, ये किसके लिए है, मास के लिए, ये किसके लिए है, लेंथ के लिए, ये किसके लिए है, टाइम के लिए, ये किसके लिए है, करंट के लिए, ये किसके लिए है, टेम्परेचर के लिए, ये दोनों ही. ठीक है, ये भी और ये भी, और ये किसके लिए है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए. ठीक है, और ये किसके लिए है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए. समझ में आ गई बात. तो ये सात तरह की फंडामेंटल यूनिट्स की डायमेंशन है. ठीक है, ये डायमेंशन को दिखाने का हमारा तरीका है. समझ में आ गई. अच्छा, ये तो केवल मैंने आपको, अच्छा डायमेंशन में आपने बेसिकली किया क्या, जो भी आपकी यूनिट थी, है ना, या फिर जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी थी उसका आपने इंडिकेशन लिख करके उसको बड़े ब्रैकेट में शो कर दिया. ठीक है, और डायमेंशन क्या काम करती है, फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को डिस्क्राइब करती है. अब मैं आपको बता रही हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन, मतलब इन सब चीज़ों से हम क्या समझ रहे हैं. ठीक है, तो वो मैं बता रही हूँ आपको, डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन. तो लिखें आप इसको, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और हम इसको क्या कह सकते हैं, एक्सपोनेंट्स, आर द पावर और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटीज मतलब जो बेसिक यूनिट्स हैं, टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड to represent that quantity. अब इसका मतलब आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको डिराइव्ड यूनिट के डायमेंशंस को समझाऊंगी. तो यहाँ पे तो केवल हमने क्या किया है, फंडामेंटल यूनिट्स के डायमेंशन बताइए, डायमेंशन की जो ये डेफिनेशन है अभी आप इसको केवल नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ये आपको मैं समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. और ये आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स की डायमेंशंस को बता दूंगी कि कितनी और कैसे निकाली जाती है. समझ में आ गई. तो डायमेंशन की क्या डेफिनेशन हो गई, ये आपके सामने लिखी हुई है, इसको आप पढ़ना और समझना जितना भी आपके बैठ रहा है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करूंगी एक्सप्लेन. ओके, थैंक यू.